भागलपुर में पिछले 3 दिनों से अवैध कमाई को लेकर अलग अलग जगहों पर व्यवसायियों के यहां चल रही आयकर विभाग की छापेमारी को लेकर भागलपुर समेत राज्य भर में अवैध कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। वहीं भागलपुर के पूर्व डिप्टी मेयर आभूषण कारोबारी राजेश वर्मा के अलावा उनके कई सहयोगियों और जमीन कारोबारियों के यहां आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। शुक्रवार को राजेश वर्मा के करीबी और मैनेजर मानस सिंह के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी कर लंबी पूछताछ के बाद लैपटॉप समेत कई कागजातों और जरूरी डिवाइस को कब्जे में ले लिया, जिसके बाद मानस सिंह को आयकर विभाग की टीम अपने साथ ले गई। बता दें कि गुंडा बैंक के संचालन में नाम आने के बाद पिछले कई महीनों से राजेश वर्मा समेत उनके सहयोगी और जिले के कई व्यवसायी आयकर विभाग की टीम के राडार पर चल रहे थे और इसी को लेकर आईटी समेत कई केंद्रीय एजेंसी की राज्य में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। वहीं इनकम टैक्स विभाग की इस ताबड़तोड़ और घंटों चल रही छापेमारी के बाद कई व्यवसायी और सफेदपोश के यहाँ प्रवर्तन निदेशालय के दबिश देने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बता दें कि समाजसेवी विजय यादव, कपड़ा व्यवसायी जॉनी संथालिया, रवि जालान, मिथिलेश यादव, शिवम चौधरी, राकेश शर्मा, सुदर्शन सिंह, शंकर मोदी समेत और भी कई कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर अधिकारी जांच में जुटे हैं। भोजपुर पुलिस ने शुक्रवार को एक बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने जाली नोट के गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस दौरान पुलिस को भारी मात्रा में जाली नोट और नोट छापने वाली मशीन भी बरामद हुई। दरअसल मामला भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक बगीचे में छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस ने मौके से नकली नोट छाप रहे कई लोगों को दबोच लिया। वहीं इसकी जानकारी मिलते ही भोजपुर SP संजय सिंह के निर्देश पर आनंद फानंद में टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें 500 के 6,50,000 जारी नोट और नकली नोट छापने वाले स्कैनर के साथ 2 बदमाशों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि पुलिस ने जब बदमाशों पर दबिश बढ़ाया तो पकड़े गए दोनों बदमाशों ने बताया कि वे लोग ATM से पैसा निकालने वाले सीधे साधे लोगों को अपना निशाना बनाते हैं और असली नोट के बदले उन्हें नकली नोट थमा देते थे, जबकि बाजार में इसकी हेराफेरी करते थे। इधर बदमाशों के इस खुलासे के बाद पुलिस ने अपनी जांच टीम जगदीशपुर में बाजार और ATM के आसपास लगाती है, जिससे इस गिरोह में शामिल लोगों की पहचान कर गिरफ्त में लिया जा सके। वहीं पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे भी छानबीन जारी है, जबकि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नकली नोट के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कई जिलों के उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए संयुक्त छापेमारी अभियान में टीम ने 5 महिला समेत 51 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस अभियान में लखीसराय, मुंगेर, जमुई एवं शेखपुरा उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें अवैध शराब कारोबार से जुड़े दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इसको लेकर लखीसराय उत्पाद अधीक्षक अजय शंकर सहाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मद निषेध विभाग के वरीय अधिकारी आदेश पर मुंगेर, लखीसराय, जमुई एवं शेखपुरा जिले की पुलिस ने लखीसराय के इंग्लिश सदर मोहल्ला, बालगुदर शर्मा मुसहरी और खैरमा मुसहरी में छापेमारी की, जिसमें अवैध शराब कारोबार से जुड़े 9 लोगों को और 42 लोगों को शराब पीने के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 महिला भी शामिल है। उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि छापेमारी के दौरान 32 लीटर चुलाई महुआ शराब एवं 31 लीटर ताड़ी भी बरामद हुआ है। हालांकि गिरफ्तार महिलाओं का कहना है कि वो सभी आचार बेचकर घर लौट रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सर बताइए। माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय मद निषेध बिहार पटना तथा जिला पदाधिकारी महोदय लखीसराय का निर्देशानुसार यहाँ विशेष अभियान चलाया गया। विशेष अभियान में लखीसराय पूरा जिले के पदाधिकारी, कर्मचारी एवं सैप बल एवं होमगार्ड के जवान तथा मुंगेर जिला के सभी पदाधिकारी, कर्मचारी, सैप बल और जमुई जिला के पदाधिकारी, कर्मचारी, सैप बल के साथ छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें 42 आदमी पीने में पकड़ाया, पीने वाले थे और बेचने वाले की संख्या 9 है, उसमें 5 महिला है। कुल 51 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है।
एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा बुलंद करते हुए सरकार बेटियों के हित में कई कदम उठाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर अक्सर किसी न किसी कारण से महिलाओं और बेटियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आता रहता है। ताज़ा मामला भागलपुर के अमडंडा थाना क्षेत्र का है, जहाँ अमडंडा थाना में पदस्थापित पुलिस अधिकारी ने सिविल ड्रेस में एक छात्रा से सरेआम धक्का मुक्की कर जबरन उसकी मोटरसाइकिल को थाने में लगा दिया, जबकि इस दौरान छात्रा ने पुलिस को ऐसा करने से रोकने की भी काफी कोशिश की, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर अमडंडा निवासी मजदूर श्याम सुंदर सिंह का कहना है कि उनकी बेटी छोटी कुमारी से गाड़ी सीखने के दौरान थाने के पास सादी वर्दी में पुलिसकर्मी जयराम मिश्रा ने जबरन चाबी लेकर बाइक थाने में लगा दिया, जबकि इस दौरान उनकी बेटी द्वारा काफी कहने के बाद भी पुलिस अधिकारी उसे धक्का मुक्की कर गाड़ी अपने कब्जे में ले लिए। श्याम सुंदर सिंह ने कहा कि बाद में जब इसकी जानकारी उन्हें मिली तो उन्होंने बेटी द्वारा गाड़ी सीखने और उसकी बातों के लिए थाने में माफी तक मांगी, लेकिन पुलिस ने गाड़ी नहीं छोड़ा, जबकि काफी मिन्नत करने के बाद भी गाड़ी छोड़ने के नाम में भारी रकम की मांग की गई, जिस पर भट्टा पर काम करने वाले मजदूर श्याम सुंदर सिंह ने पैसे देने में असमर्थता जताई दी और अंत में जयराम मिश्रा द्वारा 10,000 रुपये देने पर गाड़ी छोड़ देने की बात कही गई, जिसके बाद इसके एवज में मजदूर ने चालान काटने की बात कही, लेकिन चालान नहीं देने की बात करते हुए आक्रोशित पुलिस अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाड़ी नहीं छोड़ा गया। इधर गाड़ी जब्त करने के 24 घंटे बाद भी इसका चालान नहीं किया गया था। इधर इंटर की छात्रा छोटी कुमारी का कहना है कि घर में कोई नहीं था, तभी सीखने की नीयत से गाड़ी लेकर घर से निकली थी, लेकिन इसी बीच सिविल ड्रेस में एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोककर उसके साथ धक्का मुक्की की और पैसे की मांग करते हुए गाड़ी को थाने में लगा दिया, जबकि उसके पिता से भी काफी रकम की मांग करते हुए पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। वहीं पुलिस अधिकारी जयराम मिश्रा ने छात्रा और उसके पिता द्वारा उन पर लगाए गए आरोप को गलत बताते हुए कहा कि उन्होंने केवल अपनी ड्यूटी की है। गाड़ी सीख गए थे तो मतलब उधर चलाने गए थे, तो घर में कोई नहीं था, ऐसे मतलब छिपा के गए थे, उधर से आ रहे थे उसी का मतलब रोक के जबरदस्ती धक्का मुक्की करने लगा। हम बोले कि आप सिविल ड्रेस में, हम आपको नहीं पहचानते, चाबी दीजिए घर जाएंगे, तो चाबी ले लिया, बोला नहीं देंगे, उसके बाद धक्का मुक्की करके चाबी ले लिया, गाड़ी अंदर कर दिया। बाकी तो वीडियो वायरल हो चुका है, तो आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। ऊपर से लास्ट में बोला 10,000, बोल रहे 10,000 दे रहे, चलान दीजिए, बोला कि नहीं हम पैसा लेंगे, चलान नहीं देंगे, तो पैसा लेके क्या करेगा, पॉकेट में रखने नहीं देगा कोई। हम घर में नहीं थे, मेरा बेटा घर में नहीं था। उसके बाद हमको सूचना मिला, हम एक चारे गए थे किसी काम से, तो हमको सूचना मिला कि तुम्हारा बेटी का गाड़ी पकड़ लिया है। तो हम बोले हमारा बेटी तो सुनम गाड़ी एक दिन लेके निकलता नहीं है, लेकिन कोई घर में नहीं थे, तो सुनम में सीखने ख्याल से किस ख्याल सीख लो, तो बच्ची की माने सुनम में जब हम नहीं थे घर में। तो उसके बाद उसने क्या किया, मेरे बच्चे से ज़बरदस्ती हुड़ के पास गाड़ी छीन लिया चाबी, उसके बाद मेरे बच्चे के साथ में जो गलत सेलेक्ट किया है वो तो वीडियो वायरल हो चुका है, उसमें लोग शर्मिंदा हम लोग पूरे सवाल। उसके बाद थाना के बगल में ट्रांसफार्मा है, उसके अंधेरे में हमको लेके गया, लेके अंधेरे में गया छोड़ा बू, तो हमको बोला कि गाड़ी छोड़ना चाहते हैं, तो हम बोले सर छोड़ दीजिए, तो बोला कि से इसका फाइन जो है तो 35,000 कम से कम देना होगा। तो हम बोले कि सर 35,000 क्यों देंगे आपका, तो बोला 35,000 नहीं दीजिएगा, 30 की नहीं बात, तो उसके बाद बोला 20 देने से भी एग्री नहीं हुए। उसके बाद बोला कि लास्ट आपको पैसा 10,000 लगेगा, तो 10,000 क्या सर, कि हम लोग कहाँ से देंगे, तो बोले नहीं 10,000 लगेगा। तो हम बोले ठीक है, अगर सर 10,000 कहते हैं तो 10,000 जो हम पैसा देंगे, तो उसके बदले में हमको 10,000 रुपया का चालान चाहिए, किस विषय में आप काट रहे हैं, चालान नहीं देंगे, पैसा दीजिए लेकिन गाड़ी का चालान नहीं देंगे, और पैसा सब दीजिए, चालान दीजिए ना, क्योंकि चालान नहीं देंगे मात्र भागे हमको गला गली करके छोड़ा वो भगा दिया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी
ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। नवगछिया रंगरा प्रखंड अंतर्गत तीन टंगा दियारा के ज्ञानी दास टोला में गंगा का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण कई घर कटकर नदी में समा गए, जबकि कट ऑफ लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में कई कच्चे घर गंगा में विलीन हो गए हैं, जबकि जो पक्का मकान बचा है उसे भी कट ऑफ में समाने के भय से ग्रामीण तोड़कर ईंट निकाल रहे हैं। वहीं इसको लेकर ग्रामीण जोगिंदर ठाकुर, राजेश कुमार और सुदामा मंडल समेत कई लोगों ने कहा कि कट ऑफ के कारण कई परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन जीने को विवश हैं, लेकिन अब तक उन्हें प्रशासनिक स्तर से कोई मदद नहीं मिली है। इसके अलावा ग्रामीणों ने फ्लड फाइटिंग के कार्य में भी अनियमितता बढ़ते जाने की बात कही, साथ ही कहा कि अगर यही स्थिति रहेगी तो पूरा गांव गंगा में विलीन हो जाएगा और साथ ही उन सभी की कई उम्मीदें भी गंगा में समा जाएगी। बहुत बड़ा भयंकर कटाव हो रहा है, सरकार का अभी तक कोई प्लान नहीं हुआ है। यहाँ अगर बोल्डर पिचिंग और ठोकर रहता इस तरह का नौबत नहीं आता। यहाँ का मतदाता सब भूखे प्यासे बाहर में धूप में खड़े हैं, नहीं सरकार का नहीं पोलिथीन मिला है और नहीं कोई चीज खाने का व्यवस्था है। मोतिहारी में बैंक लूट कांड को अंजाम देकर फरार हुए अपराधियों को पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से गन्ने के खेत से दबोच लिया गया, जबकि इससे पहले एक लुटेरे को बैंक में ही बैंक कर्मी ने पकड़ लिया था। दरअसल घटना मोतिहारी के पहाड़पुर थाना क्षेत्र साटाहा चौक के समीप का है, जहां तीन बाइक से पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे हथियारबंद छह बदमाशों ने बैंक से करीब 15 लाख रुपये लूट की घटना को अंजाम दिया। लेकिन इसी बीच एक बैंक कर्मी ने पीछे से रुपये का बैग एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि बाकी सभी बदमाश वहां से फरार हो गए। हालांकि एक अपराधी बाइक छोड़कर कुछ दूर पर गन्ने के खेत में जाकर छुप गया, लेकिन इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी और स्थानीय लोग खेत पहुंचे और वहां छुपे अपराधी को घेर कर पकड़ लिया गया। इधर कुछ लोगों ने बैंक में पकड़े गए अपराधी की जमकर धुनाई कर दी। वहीं फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर लूटकांड का खुलासा करने और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। पहाड़पुर में पश्चिम चंपारण की सीमा के पास सठहा नामक जगह पर पीएनबी की शाखा में आज सवेरे 5 लुटेरों ने जो है वहां पर प्रवेश कर करके वहां पर डकैती की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कि वो लोग प्रथम दृष्टया पैसा लेकर के निकलने में सफल हुए थे, लेकिन उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस वहाँ पर तुरंत पहुँची और उसमें से 2 अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ लिया गया, जिसमें से कि लूट की राशि वो भी पूरी बरामद हो गई है। 13,20,000 का अमाउंट जो था और वो सारा नोट मिला लिया गया है। बैंक वालों ने भी इसकी पुष्टि करी है कि ये सारी रिकवरी 100% हो गई है। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शुक्रवार को अपने 3 दिवसीय प्रवास कार्यक्रम को लेकर दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से भागलपुर के नवगछिया स्टेशन पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला और अंग वस्त्र देकर पूर्व केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। बताया जा रहा है कि भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का भागलपुर, नवगछिया और बांका के जिला संगठनों में प्रवास कार्यक्रम है, जिसको लेकर शुक्रवार को नवगछिया पहुंचने के बाद पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तेतरी दुर्गा मंदिर पहुंचकर माता अर्चना की। वह इसके बाद
रात लक्ष्मीपुर रोड स्थित पार्टी कार्यालय में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें संगठन के सभी मोर्चा के अध्यक्ष, महामंत्री और मंडल प्रभारी से उन्होंने अगले कार्यक्रमों की योजनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को कार्यकर्ताओं की मदद से जन जन तक पहुँचाने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा से नीतीश कुमार को अलग होने और भाजपा द्वारा अपने संगठन को मजबूत करने के विषय पर बात रखी गई। साथ ही उन्होंने महागठबंधन की सरकार को भ्रष्टाचार के तीन खंभों की सरकार बताया। 17 में आपने लालू जी और तेजस्वी जी का साथ इसलिए छोड़ा था कि तेजस्वी जी और लालू जी के ऊपर रेलवे के होटल के टेंडर घोटाला, रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला और बाकी को लेकर जो गंभीर आरोप लग रहे थे उस पर उनको जवाब नहीं मिल रहा। नीतीश बाबू, तेजस्वी जी तो 4 सीटें हैं इन मामलों में, राबड़ी जी भी हैं, आपको जवाब मिल गया क्या? तो आप क्यों वापस चले गए? क्या मतलब है इसका? और अगर आपको भाजपा से इतनी नफरत थी तो अकेले लड़ने की चुनाव हिम्मत क्यों नहीं करते हैं आप? सनोखर बाजार में इन दिनों पेयजल की समस्या गंभीर हो गई है। यहां लगभग 300 घरों में 3 माह से पानी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण बाजार के लोग काफी परेशान हैं। वहीं जल संकट को लेकर सनोखर बाजार के लोगों का कहना है कि वो लोग लगातार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और PHED विभाग के कर्मी उन्हें पानी नहीं आपूर्ति होने का कारण पानी का लेयर नीचे चले जाने को बताते हैं। लोगों ने कहा कि वाटर लेवल काफी नीचे चले जाने से पानी सप्लाई नहीं होने की बात PHED विभाग की ओर से कही जा रही है, तो फिर पहले ही अधिक गहराई तक बोरिंग क्यों नहीं किया गया, जिससे यहां समस्या नहीं होती। साथ ही ग्रामीणों ने उनकी समस्या पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं देने की बात कहते हुए PHED के संवेदक द्वारा बोरिंग के दौरान काफी अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। इसके अलावा जैसे तैसे बोरिंग करके संवेदक द्वारा अपना बिल पास करा लेने और आम लोगों को बेवजह परेशान करने की भी बात दुकानदारों ने कही, जबकि क्षेत्र के विधायक को भी समस्या की शिकायत कई बार की गई, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब तो बिजली का हो जाता है, बिजली जाता है तो पानी नहीं चलता है, बोलने पर कहता है कि पानी का लेयर भाग गया है। कब से दिक्कत है? लगभग 2-2 महीने से। कितने घरों को दिक्कत होता है? पूरे समूचे गाँव में का यही हाल है। पानी के लिए, पानी हम लोगों को पीने के लिए बड़ी समस्या हो गया है। बड़ी समस्या कब से हो रही है? 2 महीने के आसपास। अभी पी कहाँ से पी रहे हैं पानी? अभी हम लोग दूसरे जगह से ढोड़ा करके पानी लाते हैं। तो क्या PHED विभाग ध्यान नहीं दे रही है? हम लोग PHED विभाग से तो हम लोग पानी ले ही नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या ध्यान टोटी में लिखा हुआ है PHED। हाँ, वहाँ तक हम लोगों ने खबर नहीं पहुँचा है। आप आए तो आपसे हम